एटा में एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी चमन को गिरफ्तार कर लिया। इस सफलता के लिए 20,000 का इनाम घोषित किया गया है। गिरफ्तार में आया अपराधी कई समय से फरार चल रहा था। एटा के कोतवाली देहात के बातर गांव में एक युवती की गोली मारकर हत्या का प्रयास किया गया। युवती को मृत समझकर परिजन ने झाड़ी में फेंक कर फरार हो गई। युवती ने मामा पर गोली मारने का आरोप लगाया है। आगरा के दुर्गानगर में रिवॉल्वर के साथ फोटो खिंचाते वक्त गोली चल गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ महिला फोटो खिंचवा रही थी। मेरठ में बिजली विभाग के इंजीनियर की उगाही और प्रताड़ना से मजबूर एक आटा चक्की दुकानदार ने बिजनौर के कलेक्ट्रेट में जहर खाकर जान दे दी। दुकानदार ने आत्महत्या से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिजली विभाग के इंजीनियर और कर्मचारियों की प्रताड़ना का खुलासा किया था। लखनऊ में परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अधिकारियों के साथ बैठक में बसों के संचालन को लेकर अधिकारियों से सुझाव लिए। प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला और बसों के संचालन से जुड़े तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। आगरा में पिस्टल के संग फोटो खिंचवाने के दौरान बंदूक से निकली गोली बहू के सीने के आर पार हो गई। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में भारत समाचार की खबर का असर, टोल पर मारपीट और फायरिंग के मामले में रामशंकर कठेरिया के सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। आगरा में ड्रग विभाग ने थाना एतमादौला यमुना पार के मालवा ट्रांसपोर्ट पर छापामार की कार्रवाई की। इस दौरान ड्रग विभाग ने करीब 9 लाख रुपए की दवाएं जब्त की। बुलंदशहर में आधी रात को डीएम ने 360 करोड़ की सीवर लाइन योजना की जांच की और खामियां मिलने पर अफसरों की क्लास लगाई। इस दौरान डीएम ने काला आम से मोतीबाग का निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण भी किया। मऊ में जेल के अंदर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जेल के अंदर गांजा मोबाइल नॉनवेज नजर आ रहा है। जेल में कई और गैर कानूनी प्रतिबंधित सामानों का वीडियो वायरल हो गया है। संभल में चोरों ने किसान के घर से लाइसेंस से राइफल समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुरादाबाद में रिश्वत लेते मुंशी का वीडियो वायरल हो गया। मुंशी ने किसान सम्मान योजना के लिए 200 रुपए की रिश्वत ली थी। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली के चंदौसी रोड पर टाटा मैजिक और कैंटर में जोरदार टक्कर हो गई। घटना टक्कर में टाटा मैजिक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के हरसिंहपुर के समीप एक तेज रफ्तार टेम्पो के पलटने से हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। लखीमपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक बस अनियंत्रित होकर शारदा नहर में गिर गई। बस शिमला से नेपाल जा रही थी। आगरा में विद्युत ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद पहुंची दमकल ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोरखपुर में तेज हवा और लगातार हो रही बारिश की वजह से कई सौ साल पुराना विशालकाय बरगद का पेड़ घर के ऊपर गिर गया। हादसे में फिलहाल घर का नुकसान हुआ, लेकिन घर में रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। कानपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। फिरोजाबाद में मार्की वैन में अवैध गैस रिफिलिंग करते समय आग लग गई। वैन में आग लगते ही ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड अधिकारियों को दी। बस्ती में पुलिस ने मानवता दिखाई और राहगीरों की मदद के लिए सड़क पर गिरे पेड़ को सिपाही ने कुल्हाड़ी से काटा और सड़क से किनारे कर दिया। शामली के कैराना एसडीएम की खानापूर्ति का उजागर हुआ है। अवैध धन पर एसडीएम ने खानापूर्ति की है। एसडीएम ने एक भी आरोपी नहीं पकड़े। लखनऊ में आईएएस विवेक की आवास पर सीबीआई का छापा। आंसर टाउनशिप में आईएएस विवेक की आवास पर सीबीआई ने मारा छापा। बदायूं के कादर चौक इलाके में टैंकर से जा रहे पशु तस्करों ने डायल हैंडल पुलिस जीप को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से डायल हैंडल का सिपाही घायल हो गया। लखनऊ के अलीगंज के बनारसी टोले में रिमझिम बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई, जिसमें बुजुर्ग समेत किशोर दब गया। गाजियाबाद में लैंड क्राफ्ट बिल्डर द्वारा सोसाइटी की 24 मीटर चौड़ी रोड तोड़ने के मामला अभी निपटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जीडी के सचिव इस मामले में दूसरे दौर की सुनवाई शुक्रवार को करेंगे। जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र में सफर के दौरान गर्भवती महिला की हालत बिगड़ गई। महिला ने प्लेटफॉर्म पर बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहारनपुर के हथनीकुंड बैराज के पास यमुना नदी में बहकर खतरनाक दुर्लभ शार्क मछली दिखाई दी। ग्रामीणों ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में घुसकर शार्क मछली को पकड़ लिया। ललितपुर के पाली जाखलौन क्षेत्र में पुलिया टूटने से 2,000 अधिक गांवों के लोग परेशान हैं। सड़क जाखलौन क्षेत्र से सागर हाईवे तक जाती है। अलीगढ़ में बिना पंजीकरण चल रहे अस्पताल में गर्भवती महिला की सिजेरियन डिलीवरी के दौरान खून चढ़ा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया है।
ग्रेटर नोएडा में जल विभाग के ठेकेदार की बड़ी लापरवाही आई सामने। जेवर में बिछाई जा रही पानी की पाइपलाइन के लिए ठेकेदार ने नाबालिग लड़के से जेसीबी मशीन चलवाई। हरदोई के टडियावा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में स्कूल काफी तादाद में नेपाली गांजे की झाड़ी झंकार से ये यहां पर उगे हुए हैं। साफ महसूस हो रहा है कि यहां पर प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा। लखीमपुर खीरी में नहर में बहता एक बाघ का शव मिला। बाघ का शव इलाके में सनसनी का माहौल बन गया।